ये भैया भी हमारे साथ साथ यहाँ पे परेशान हो रखे हैं। हम तो ही रहे यहाँ पे, सारे परेशान हैं, सारे ग्रुप परेशान है। यहाँ पे बहुत भीड़ लग गई है साहब, यहाँ पे जाम लग गया है, छोटी सी गलती में गाड़ी के चक्कर में। और गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, पलटी ना मारते हैं। आप नैनबाग जा रहे हो? सर हम तो विकास नगर जाएंगे। अच्छा ऊपर खड़ी गाड़ी आपकी? ये खड़ा है आपकी। ओहो हम नीचे ऊपर जा रहे, तुम इधर जा रहे हो। वही तो यहाँ पे जाम लग गया, अभी बहुत दिक्कत हो रही। टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में थोड़ा सा, अभी तो बोल रहे हैं धीरे धीरे पीछे। जिस हिसाब से गाड़ी खड़ी है कम से कम 2-2.5 घंटे लेगा अगर मैं ट्रेन नहीं आई तो। यहाँ पे अभी इस समय देहरादून में बहुत गर्मी है, तो रूह अफजा पी रहे हैं सारे के सारे जंगल में खड़े होके। बुरांस का है, बुरांस का जूस है। और ये मोनू लेके आया अपने गांव से गढ़वाल, और अब इनका इंट्रो ले लेते हैं। ये जो चश्मे में भाई साहब हैं, ये है अमित कुमार। बताइए अपने बारे में, क्या करता है भाई तू? बिल्ले हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। नहीं यार बस मौज मस्ती, मौज मस्ती। उसके बगल में मोनू, उसके बगल में जोशी जी, और उसके बगल में मैंडी। अब निकलेंगे यहाँ से, कहीं पहाड़ वहाड़ पे जा रहे हैं, नाइट स्टे करेंगे वहाँ पर। निकल गए हैं घर से हम सब लोग, सब दोस्त, काफी टाइम बाद। और अब जा रहे हैं हम नैनबाग, बहुत मस्त जगह है, देखते हैं क्या क्या है। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। वो सूर्य भगवान दर्शन देने वाले हैं अभी, फर्स्ट क्लास करके ए आ गए। क्या शॉट आया यार, सनसेट मिला हमें बहुत प्यारा सा। और भाई गाँव के जो मजे है ना, वो गजब ही है। ब्यूटी एक तरफा है। गाड़ी को बुक कर रखा है मैंडी हमारे भाई और ये जोशी जी। अब ऐसे ही बस मजे कर रहे हैं, चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरा। साढ़े 7 बज गए अभी, हम नैनबाग भी नहीं पहुंचे, अभी बहुत दूर है यहाँ से। और यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, एक टेम्परेरी पुल बना हुआ है यहाँ पर, रिस्क दबा के है, धूल ही धूल है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी जाने में। वो ऊपर जो कार जा रही है वहाँ पर जाना है हमने अभी, यहाँ से तो काफ़ी दूर है। ये बस वाला खड़ा हो गया, चलो निकालते हैं अपन। अरे पानी मस्त है नीचे भाई, है झील है, झील बना। और अभी बहुत दूर जाना है यार, ये पहाड़ों के रास्ते ना। और यहाँ पे रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, एक ट्रक खराब हो गया, गाड़ी निकल नहीं पा रही है, भयंकर तरीके का जाम लगा हुआ यहाँ पर। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, बहुत भयानक रास्ता है यहाँ पे। ट्रक खराब हो रखा है, बहुत किनारे से निकलना पड़ेगा सभी को हमें। अब ये भाई जी निकल तो रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ से निकलना। और ये हमारे मुंह पे पत्थर मार के चला गया है भाई, ऑल्टो वाला। धुआं देखो यहाँ पे, ये हमारे मुंह पे इसने गंदगी छोड़ दी सारी की सारी। फेयर क्रीम, फेयर एंड लवली, मतलब यहाँ पे आके आप नेचुरल फेयर एंड लवली लगेगी। यहाँ पे इतना डस्ट है यार यहाँ पे। ये निकलेगी हमारी गाड़ी, अब इसके पीछे पीछे चलते हैं हम। जहाँ तक जा सकते हैं जाना तो पड़ेगा ही। अब रास्ते में कहाँ रुके, ना तो हमारे पास है पेट्रोमैक्स, ना है हमारे पास सोने के लिए कोई जुगाड़। हम तो बस आ गए थे टेंट बुक करके अपने, और बुकिंग भी दे दी हमने। अब वो टेंट बुक कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर अब निकली तो है गाड़ियाँ, देखो रब भला करे पहुँचा दे। और इतना परेशान होने के बाद अभी हम चलने के फाइनली। और सामने वही चरस है हमारे सामने, वही वाली ट्रक जिसमें हम फंसे हुए थे। सब लोगों की हालत खराब आ रही है, फालतू की मतलब की हाथ को पैर लगने लगी, नेचुरल मर गए यार भाग भाग के, बहुत बुरा हाल है। चलो इसे क्रॉस कर लेंगे हम तो फाइनली, कुछ ना लेट ही सही, 1-2 बजे पहुंचे पहुंचेगी। इसने लगा दी किनारे, हमें पास दे दिया, बाय बाय, वेरी गुड। चरस होगी चरस आज, मस्ती जितनी थी हमारी सारी हस्ती में निकल गई। वो खराब हो गया मामला सारा का सारा, जूजी हो गए परेशान। जूजी बुरास का जूस भी नहीं पी रहे ना, कह रहे पीता ही नहीं, पसंद ही नहीं बुरास का जूस। ये मांग रहे बियर, बियर कहाँ से लाया, ठेका ही नहीं मिल रहा हमें। और बीच में मैंडी सर बैठ रखे हमारे, ये बुरास का जूस ऐसा जूस है जो शरीर में जाते ही तरलता
मूव करता है और ठंडक पैदा करता है शरीर को। यह अनंतबाग का मार्केट मस्त है, पर टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम से आ गया, टाइम से कहा 9:30 हो गए, 9:30 बज गए यहाँ पर। यहाँ से आना ना ऊपर खाने के लिए, यही है उसका घर। अब वो खाने के लिए ले लो कुछ, जो भी वहाँ कुछ नहीं मिले। ये नैन मार्केट, यहाँ पे हम खाने के लिए कुछ ले रहे हैं नैन बाग मार्केट से, कुछ मिल जाए तो खा पी कर एंजॉय करेंगे और वहाँ सोएंगे फर्स्ट क्लास। ये इस वाले रास्ते में हमें जाना है, यहाँ पर ये सीधा मोनू सीधा कहाँ जा रहे हैं? ये बड़कोट नैनबाग तो यही है, यमुनोत्री का वाला रास्ता है ये, और ये अपने गांव वाले रास्ते में जाना है। ऊपर जाके बड़ा अच्छा सा कैंप लगा है। यहाँ पे कुछ था नहीं, हम मोमोज वगैरह खा रहे थे, बहुत भूख लगी है ना। बहुत भूख लगी है ना। मैंने वेज मोमोज कराए पहले, नॉन वेज कराए पहले बता। वेज क्यों कराए, नॉन वेज क्यों नहीं कराए? अच्छा तू वेज वाला है ना, हमारा कौन सोचेगा। भाई ने हमारे लिए वेज मोमोज कराए कि हम खाते नहीं वेज, शरीर देख के पंगा लेना। और ये पीछे वेज मोमोज वगैरह हम खाएंगे, आंटी बना रही हैं। आंटी नॉन वेज भी है? यहाँ वेज मोमो ही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। नैनबाग का मार्केट है, नैनबाग का। और यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से निकलेंगे, 30 किलोमीटर जाना है। और नैनबाग मार्केट से हम निकल गए अपने मंजिल की, और यहाँ से 30 किलोमीटर जाना है हमने, स्टार्ट हो गया ये मार्केट, अब खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। खाना वाना पैक करा लिया हमने, कोई ऊपर घंटा नहीं मिलने वाला कुछ हमें। अब सुबह ही मटन वटन बनेगा हमारा। तो अब ऐसे मार्केट ये बहुत बड़ा है, काफी घर वर है यहाँ पे, काफी शॉप्स हैं यहाँ पर। लेट हो गए तो सब बंद हो गया, और ये लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, हम चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अपन। ये मेंडी भाई कुछ सुनाना चाह रहे हैं इसके लिए, क्या इसके लिए, अमित के लिए क्या चीज़ है? मेंडी भाई पानी विभाग के लिए, पानी विभाग के लिए चाहिए हम के लिए। कहते हैं कि बड़ा शरीफ शख्स है, पत्नी से प्यार करता है। क्या बात है, बड़ा शरीफ शख्स है, पत्नी से प्यार करता है, ऊपर से कमाल ये है कि अपनी से प्यार करता है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया यार। हम तो आए ही थे कटवाने गालिब, तुमने काट के कौन सा तीर मार दिया। क्या बात है यार। हाँ भाई चाचा, सही रहा था मामला, ये देखो अल्टीमेट, ये पहुंच गए हम फाइनली। और फाइनली हम रूम पे पहुंच गए, हमारा रूम है। मैंडी चौधरी सो रहे हैं, अमित भाई ये खड़ा है। यस, थोड़ा डांस हिला के ठुमका दिखा दे, ठुमका यार, थोड़ा सा ठुमका। ये मस्त मजा आया। गुड मॉर्निंग, बहुत मजा आया, रात को बहुत थक गए थे, बहुत ज्यादा बेकार था रास्ता, खराब हो रहा, पर बहुत अच्छा लगा। पीछे नाश्ता कर रहे हैं दोस्त लोग, अब नाश्ता करेंगे, हो गई मॉर्निंग, उसके बाद देखेंगे इस पहाड़ वहाड़ पे जाएंगे, कहीं पे चढ़ेंगे ऊपर। यहाँ पे सेब के बगीचे हैं, सेब वेब लगे हुए हैं, थोड़ा खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे। धूप तो हो गई, गर्मी हो रही है यहाँ पर भी, दिन में तो बुरा हाल है, रात को ठंडा था, अच्छा था। तो मिलते हैं फिर नाश्ता वाश्ता करके। ये भैया लोग हैं अपने, कम्बल वम्बल ले लिया हमने, आप फर्स्ट क्लास करके मस्ती करते हुए चलते हैं, हम निकल गए यहाँ से गुड बाय करते हुए। वैसे यहाँ आना चाहिए तो कम से 3-4 दिन के लिए आओ तो बढ़िया है, हम तो एक नाइट के लिए आए तो सो ही लगा, क्योंकि लेट हो गए थे आने में, इस वजह से नाइट का उतना मज़ा नहीं आया। बट अब जो भी होगा देखा जाएगा आगे, टाइम पास मस्त वाला। यहाँ पे पानी भरने का सीन है, पानी भर रहे हैं भाई, पानी यहीं पे, यही वाला पानी आता है और कोई पानी आता है? ये आता है जो मतलब पहाड़ से निकल के आ रहा है, वो ये पानी है, एकदम बढ़िया है, मिनरल वाटर है। तुम यही रहते हो, पढ़ते पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? अच्छा जी, कौन सी क्लास में? 7th में हो तुम? यहाँ पे पापा ने खोल रखी शॉप या अपनी है? शॉप किसकी है? दुकान खोल रखी है। हाँ किसकी है वो? तुम्हारी अपनी है? अरे वाह,
ये पेड़ भी जो लगे हैं बकरे के सींग, बड़े वाला और एक वाइट वाला, और ये इसलिए लगे हैं यहाँ पर क्योंकि ये सामने है टेंपल, वहाँ पर दुधलेश्वर महाराज, और यहाँ पर लोग बकरों की बलि देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी, यहाँ से हमने जाना है 10 से 12 किलोमीटर ऊपर, जो कि ज़्यादा हाइट पे नहीं है, मतलब वैसे है आदमी आराम से चल सकता है, ज़्यादा एकदम से बिल्कुल ऊपर नहीं है, हाइट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट कम से कम 10 किलोमीटर चलेंगे हम और टॉप पे पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके बैठेंगे आराम से इंजॉय करेंगे चोटी को। और ये दोस्त लोग पीछे पीछे सामान उठा के भाग रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, चलना तो पड़ेगा, मतलब थकान अभी से लगने लग गई यार, हाइट भला ही नहीं है वैसे ही है, मतलब हल्की वाली जो होती है ना एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा ट्रेन टाइप की है, पर इतने टाइप में ट्रैकिंग वैकिंग की नहीं हम लोगों ने, तो इसलिए हालत ख़राब होना तो जायज़ सी बात है। इसका वेट करने के चक्कर में हम एक घंटे से बैठे हुए यहाँ पर, ये इन लोगों को तैयार नहीं, पता नहीं कहाँ लेट रहा है, इतना ऐसे थकान जा दी है। अब बढ़ते हैं आगे, मस्ती करते करते बात करते करते, चलो बाप रे बाप, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चल दे भाई, हम फिर वो आ गया, अब ये नहीं रुके तो भाई टाइम से चीजें होती रहेगी, अगर ये रुक गए फिर टाइम लग जाएगा। बता भी रहा मैं, इतनी चढ़ाई नहीं है, मतलब प्लेन में है पर चलना पड़ रहा है, इनके तो उसमें पोपी हो गए ना लोग, नहीं हो पा रहा इनसे चढ़ना चुड़ना, वो म्यूजिक बजा तो आ रहा है वहाँ पे और ये चल रहे हैं आगे। हाँ फाइनली पहुँचने वाले हैं हम, थोड़ा सा चल के बहुत चल गया यार, हालत खराब हो गई। चलते रहो चलते रहो, कितना चलना है और पहुँच गए हम। अब यहाँ तो मंदिर है, यहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग भी आ रखे हैं, दो लड़के बैठ रखे हैं, हाय पेड़ सेक्सी है ना, इसके नीचे से निकल गए, हाय हाय गजब ही होगा इसके नीचे ऐसे, जय श्री राम, यह है टेम्पल। चलता है रहो, बढ़िया खतरनाक है, बहुत ब्यूटीफुल है यार, मेहनत तो करना पड़ेगी थोड़ा चढ़ने के लिए, बाकी खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। और यहाँ से नीचे पूरी वो दिखेगा वैली, वो नीचे लास्ट में थे हम जब हमने रात को स्टे किया था, बिल्कुल आखिरी में बोलने भी नहीं जा रहा, थक गए बहुत। और यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जा सकते थे, पर ऊपर चोटी पे पेड़ नहीं है, धूप हो रही है इस वजह से हम थके, और हवा चल रही है, पर क्या हवा चल रही है, ठंडी एकदम, और यार ये बहुत खूबसूरत है, अगर इसकी चोटी पे चढ़ने को मिल जाए ना, हाय बहुत हाइट पे है, गजब। जहाँ पहुँच गए अभी चोटी पे, वो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, पर वहाँ पेड़ वेड़ नहीं है, हम यहाँ रुके हैं, या पीछे दोस्त लोग थे वो चटाई वटाई बिछा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आ रहा है, और इतनी धूप होने की आवाज़ है ना, ठंडी हवा लग रही है, मस्त ठंडा ठंडा कूल कूल, पर मेरे तो ना मन वहाँ उस वाली पहाड़ी में था जाने का, तो दिख रही है वो ऊपर ये वाली, यहाँ पे जाने के लिए मिल जाता ना गजब था, पर वहाँ रास्ता नहीं कह रहा कि वहाँ रास्ता बना नहीं है जाने के लिए, चढ़ने में ज़रूर एक दिन लगता सुबह से शाम तक, पर आए हाय जो मज़ा आता ना वहाँ पर, तोड़ नहीं था उसका कुछ। इसे लेना था पुष्पा में, गलती ले लिया पुष्पा में, रश्मिका को इसे लेना था, जाने मन फाइनली यहाँ से पैकअप करके अब जा रहे हैं घर, निकल गए वो पहाड़ी से नीचे, अब चलते हैं नीचे, ओहो थक गया यार, हालत खराब हो गई, और उसने
भाई ने तो स्पीकर उठा रखा है खोपड़े पे। ये सामान बहुत था पर जो भी था बढ़िया था, मस्त मजा, आओ एंजॉय करो, फुल ऑन मस्ती करो, टेंशन फ्री। भाई साहब गजब ही है, मतलब दूर तो है पर बहुत ब्यूटीफुल है। हम पहुंच गए गाड़ी के पास, गाड़ी मुश्किल से यहाँ से 2-3 मिनट लगे मुझे पहुंचने में, और भाई साहब पड़ गई हमारी, मतलब हालत ख़राब हो गई। और इसके बाद ये पहुंच गए हम उत्तराखंड, और क्या बोलते हैं उसे, उत्तरकाशी और टीरी के बॉर्डर में, पीछे टेंपल है, टेंपल में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं।